Hello, good afternoon, doctors. How are you all? Good Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Be on the full jaws all the time. Okay. Welcome to your dreamland. That is the me discussion classes. Okay. Welcome, everyone, to your dreamland. Now I want this jaws, full jaws power. Yeah, full jaws. Send me. Who are having the full jaws? Send me. All the doctors who are having the full dose, send me. Patapat ekdam. Patapat. Amrin Jahan, Dr. Amrin. Okay. Dr. Nilupala, Dr. Mimi Muskan. Bahut sare Raksinda, Dr. Raksinda, Dr. Saudia, Dr. SF. Okay. All who are having the full dose, full energy. Dr. Saddam, Dr. Praha. And others who are here. जल्दी से एकदम फटाफट फटाफट कॉल द डॉक्टर्स डॉक्टर आरसी फातिमा आरसी राम डॉक्टर मलिका डॉक्टर मीमी डॉक्टर रफत डॉक्टर रौनक डॉक्टर आरसी फातिमा ओके एवरीवन इज हैविंग फुल जॉस ओके सो हियर इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मलिका सर यस डॉक्टर मलिका यस फुल जॉस यस वेरी नाइस कीप अप द जॉस डॉक्टर नगमा वेयर Dr. Nagma, Dr. Nisar. Yes, full dose, symbol of full dose. Send me if you are having the full dose, if you are having the guts, if you are having the jeel. Okay, so send me the symbol. Now, in this section, yes, Dr. Nagma, very nice. In this section, I am presenting you 60 questions, or that is the set four of biological classification of class 11. Okay, class 11 ka biological classification ka set four hai. Isme 60 questions hai. Kuch din pehle main set three diya tha. Set three ka answer ki jo hai, that has also been released. And here, 60 to kisi ko nahi mila hai. 54 is the highest score till now. Okay, 54. Dr. Sabha. Dr. Sabha, are you here? Dr. Sabha, are you here? Dr. Sabha, CS score 54. 54 out of 60. And 52 is there, 51 is there. Okay, very nice. And Dr. SF also 52. Okay. Then keep up this full energy. And now let us continue. Let us start our set four. चलो देखो एकदम फटाफट एकदम आंसर आ जाना चाहिए एकदम है ना क्वेश्चन नंबर वन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स यील्ड ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण से राइस का यील्ड जो है यानी कि राइस का प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा एकदम इंक्रीज हुआ है कौन से है डॉक्टर्स विच वन फर्स्ट आई वांट योर आंसर देखना चाहता हूँ किसके अंदर में कितना पोटेंशियल है कितना एकदम झील है कितना एकदम गट्स है आई वांट टू सी शो मी योर गट्स सौदिया डॉक्टर सौदिया फर्स्ट रेस्पॉन्स दैट इज ए एनाबेना एंड अदर्स अदर डॉक्टर्स वेर डॉक्टर आचल ए बहुत एकदम स्लो रेस्पॉन्सेस आ रहा है ये तो नहीं चलेगा बहुत स्लो रेस्पॉन्सेस डॉक्टर रफत डॉक्टर रौनक ए डॉक्टर निसाद ए और डॉक्टर आरसी फातिमा ए डॉक्टर आरसी आराम डॉक्टर रक्षिंदा ए डॉक्टर आरसी आराम का सी है ओके हो गया वेयर आर द डॉक्टर्स वेयर हैव दे गॉन दे हैव गॉन फॉर ट्रीटमेंट डॉक्टर नीलूफर आमरीन डॉक्टर मखदूम डॉक्टर रहमती ओके सबका आंसर ए आ रहा है बस एक का आंसर सी आया है देखते हैं क्या होता है डॉक्टर सद्दाम मिमी प्रभा ओके ऑल रेस्पॉन्सेस आर ए सो द करेक्ट रेस्पॉन्स हियर इज द ए ओनली ए ही है आंसर एनाबेना सो ये एनाबेना जो है बच्चों सॉरी डॉक्टर्स एनाबेना एनाबेना क्या करता है दिस सी दिस एनाबेना Bacterium anabaena is born on the leaf of azolla. Azolla एक प्लांट का नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं
इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, डकवीड कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इट इज नोन एज डकवीड. यू माइट हैव सीन डकवीड इन द पॉन वाटर. ओके एवरीवन, हैव यू सीन? यस, यू माइट हैव सीन डकवीड. देखे हो ना, डकवीड प्लांट जो है जिसको डक्स फीड करता है. सो वही एजोला, एजोला जो है उसके ऊपर में ग्रो करता है ना, ये एनावेना बैक्टीरिया. और यही एजोला प्लांट जो है इसको हम लोग राइस फील्ड में अगर कल्टिवेट करते हैं, तो राइस फील्ड में सपोज दिस आर द राइस, दिस आर द पेडी, ये है पेडी क्रॉप्स. और पेडी क्रॉप्स के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर वाटर होता है ना. पेडी क्रॉप्स एक ऐसा क्रॉप है जिसको एकदम बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, इरीगेशन चाहिए. यहाँ पर वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी अप टू सम हाइट, अप टू सम लेवल वाटर इज प्रेजेंट. अगर यही पानी में फिर हम लोग एजोला जो है यानी कि डकवीड इसको यहाँ पर डाल देते हैं, तो उसमें उसके लीव में क्या है, उसके लीव में एनाबेना जो है बैक्टीरिया, दिस एनाबेना बैक्टीरिया इज ए काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड दिस विल फिक्स नाइट्रोजन फॉर द पेडी क्रॉप्स, है ना. चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो एजोला कैसे होता है. See, this is azolla here. You might have seen this azolla, duckweed जिसको हम लोग कहते हैं, है ना. सब के सब सारे डॉक्टर्स एकदम देखे हो, ध्यान से देख लो एकदम, इसको एकदम पहचान लो, यही है azolla. This is the duckweed azolla. Okay, this grows on the कहाँ पर ये grow करता है, if they are grown in the rice field में अगर grow करते हैं, तो यही azolla जो है ना, इसका leaf में क्या होता है, anabola bacteria होता है जो क्या करता है, जो nitrogen fixing के लिए responsible है. And they will make available nitrogen for the rice plant, and so the productivity of rice will increase. So the correct answer here, A is the correct answer. Okay, with doctors, मैं बार बार बच्चे बोलता हूँ. Sorry, not here, बच्चे, all are doctors here. Okay, question number two. In prokaryotes, the genetic material is prokaryote के अंदर में genetic material कैसे होता है? Number A, DNA with histones, linear DNA with histon. Number B, circular DNA with histon. Number C, linear DNA without histon. Histon बताया ना किसको कहते हैं, histon is the name of a protein present in the chromosome. Chromosome के अंदर में पांच टाइप के proteins होते हैं, वो DNA जो है, DNA को bind करने के लिए पांच टाइप का protein होता है ना. That is in biomolecules chapter, and DNA वाला जो topic है उसमें भी होगा. So answer आने लगा है नीलूफर, डॉक्टर नीलूफर का आंसर आ गया है बी, एकदम जोश में, एकदम पूरा एकदम है नीलूफर. एंड सद्दाम इज ऑल्सो अंदर फुल जोश. निशात रहमानी बी है, सद्दाम का ए है, सारे डॉक्टर्स का एकदम अलग अलग आंसर आ रहा है इस बार. आंचल का बी है. ओके, सबका इस बार पता नहीं क्या हो गया है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है. आरसी फातिमा बी, नजरीन डी. ओके, डॉक्टर नगमा डी, प्रभा बी, आर सी आराम बी, आमरीन जहान बी, फिर जाकर के और किसका किसका बाकी है, सारे डॉक्टर्स, रहमती डी, डॉक्टर रहमती डी. ओके, एंड मेनी आर रिमेनिंग हियर, मेनी डॉक्टर्स आर हियर बट नॉट रिस्पोंडिंग स्टिल. डॉक्टर एस एफ बी आ गया आंसर. ओके, डॉक्टर रक्षिंदा बी आ गया आंसर. किसी को नहीं पता है आंसर कौन सा है, मुझे भी नहीं पता अभी आंसर कौन सा है, अभी देखते हैं आंसर कौन सा होगा. डॉक्टर रक्षिंदा का भी बी आया है. देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट जो है, फॉर एग्जांपल ए बैक्टीरियल सेल, लेट अस टेक ए बैक्टीरियल सेल. डॉक्टर निषाद का भी बी आंसर है, चलो देखते हैं क्या होता है नतीजा. तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है, दैट इज नोन एज मोनेरा एंड इट इज ए प्रोकैरियोट, है ना. प्रोकैरियोट के बारे में पूछा है. देखो डॉक्टर सोरिया का भी बी आया आंसर, लग रहा है कि बी ही होगा. चलो देखते हैं यहाँ पर ये मोनेरा जो है ना, मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया. इसके अंदर में इसका डीएनए जो होगा, द डीएनए विल बी सर्कुलर इन शेप. हो गया, एक आ गया सर्कुलर शेप वाला ऑप्शन सही होगा. तो कौन सा होगा सर्कुलर शेप वाला, नंबर बी एंड नंबर डी में है. लीनियर तो कभी नहीं होगा, यानी कि नंबर ए एंड सी इसको कट कर दिए, तो बी और डी के अंदर में कोई एक होने वाला है. तो कौन सा होगा फिर, कौन सा होगा? देखो ये यहाँ पर ये डीएनए जो होता है ना, ये लोग का डीएनए, दे आर वेरी मच सिंपल डीएनए. नीलूफर का एकदम बार बार आ रहा है, डी आ रहा है ऑप्शन. तो हम लोग के अंदर में जो ये डीएनए होता है, डीएनए का जो ये चेन होता है, इसको एकदम हाईली कोइल करके अरेंज किया जाता है ना, हाईली कोइल ऐसे करके डीएनए का चेन को इन द फॉर्म ऑफ ए सोलेनॉइड, इसको एकदम कॉम्पैक्टली पैक किया जाता है. और कॉम्पैक्टली पैक करने के लिए पांच टाइप का प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है,
These five types of proteins are known as histone proteins. Okay, histone proteins. लेकिन ये higher organisms के अंदर में ही है histone protein. In the case of prokaryote, in the case of monera, histone protein is not required at all. जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग के अंदर में सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर नहीं होता है और सर्कुलर डीएनए को यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक नहीं किया जाता है, कॉम्पैक्टली पैक नहीं किया जाता है. इसको ऐसे सोलेनोइड के फॉर्म में कॉम्पैक्टली पैक करने के लिए ही हिस्टोन प्रोटीन का जरूरत पड़ता है. यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होगा, ऐसे करके हिस्टोन प्रोटीन होगा और फिर कुछ दूर में और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होगा. पांच पांच फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर. पांच डिफरेंट टाइप का हिस्टोन प्रोटीन का जरूरत पड़ता है बाइंडिंग करने के लिए, कॉम्पैक्टली बाइंड करने के लिए. बट बैक्टीरिया मोनेरा जो है, ओके मोनेरा बैक्टीरिया वो सब में क्या नहीं होता है, वो सब में यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है. बिकॉज देयर डीएनए इज सो मच स्मॉल इन साइज एंड सर्कुलर इन शेप. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर, ओके नंबर डी वाले डॉक्टर्स का करेक्ट आंसर आ गया. और तभी से नीलूफर बहुत बार बार एकदम फोकस कर रही थी कि बी ही है, ओके और भी कुछ डॉक्टर से एकदम बी का ही एकदम मतलब बी पे ही एकदम अटे हुए था, एकदम पूरा एकदम फिक्स था. करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं. फिर सारे डॉक्टर से एकदम जोश नहीं खोना है एकदम. नंबर थ्री, ए वायरस कैन बी कंसिडर्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज. क्यों वायरस को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कह सकते हैं? देखो वायरस जो है, वायरस को हम लोग नॉन लिविंग भी नहीं कहते हैं, लिविंग भी नहीं कहते हैं, और वायरस को हम लोग लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं. वायरस को लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं. फिर वायरस को जो है लिविंग नहीं भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं भी कह सकते हैं, मतलब चारों होता है. नंबर सी आ रहा है आंसर. देखो वायरसेस को क्यों हम लोग लिविंग कहते हैं, क्योंकि सही आंसर है. ऑल द डॉक्टर्स करेक्ट आंसर. दिस टाइम मुझे नाम मेंशन करने का जरूरत नहीं है. सारे डॉक्टर्स यहां पर जो प्रेजेंट है, ऑल द डॉक्टर्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर. दैट इज रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द होस्ट. होस्ट बॉडी के अंदर में. होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट मतलब वो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म. ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर फंजाई हो सकता है, या प्लांट हो सकता है, या एनिमल हो सकता है. कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में जाकर के वो वायरस रहता हो, पनाह लेता हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट कहते हैं. तो वो होस्ट के अंदर में जाकर के क्या करता है? होस्ट के अंदर में जाकर के रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर सकता है. इसीलिए वायरसेस को हम लोग लिविंग कह सकते हैं. करेक्ट आंसर ऑल द डॉक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द मोस्ट थोरोली स्टडीड फैक्ट ऑफ द नॉन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द. ये सब चार ऑप्शन है. चार ऑप्शन में से ना सबसे एकदम ज्यादा किसके ऊपर में एकदम अच्छे से एकदम स्टडी किया गया है, सबसे अच्छा सबसे ज्यादा किसके ऊपर में स्टडी किया गया है? प्लांट और बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा इंटरेक्शन के ऊपर में सबसे ज्यादा स्टडी किया जा चुका है अभी तक? तो कौन सा होगा? सियानोबैक्टीरियल सिंबायोसिस विद सम एक्वाटिक फर्न्स. डॉक्टर सोदिया ए आंसर, निषाद का ए आंसर, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर सोदिया ए, डॉक्टर आंचल बी, डॉक्टर आर सी फातिमा ए, डॉक्टर रफत रौनक बी, डॉक्टर एस एफ ए, डॉक्टर रफसिंदा ए, डॉक्टर आर सी राम, डॉक्टर प्रभा ए ए दोनों का, डॉक्टर नीलूफर ए. सबका आंसर ए एंड बी. ए एंड बी के अंदर में ही आ रहा है, ए एंड बी. ओके तो डॉक्टर सद्दाम बी, डॉक्टर नजरीन ए, डॉक्टर रहमती ए, बहुत सारे ए हैं. डॉक्टर रहमती का एकदम पूरा फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ये बोल रही है. चलो देखते हैं क्या होता है. देखो डॉक्टर मखदूम ए, ओके सो करेक्ट आंसर हियर. सबसे एकदम अच्छे से एकदम स्टडी किया गया कौन सा इंटरेक्शन है प्लांट और बैक्टीरिया का? दैट इज द गोल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम. गोल फॉर्मेशन. तो ये गोल फॉर्मेशन क्या होते हैं? चलो देखते हैं गोल क्या चीज है. ओके कोई बात नहीं, किसी किसी का एकदम गलत हो रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं होना है. ऐसे ही एकदम गलत होते 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 एक दिन एकदम पूरा एकदम सारे आंसर एकदम सही होगा. ओके सो मेंटेन योर जोश, मेंटेन योर जोश, नेवर लॉस योर जोश. सो देखो ये क्या है, दिस इज ए गोल, दिस इज ए गोल. और ये कैसे फॉर्म हो रहा है? दिस इज फॉर्म्ड बाय द इन्फेक्शन. दिस इज फॉर्म्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ. देखो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर.
are a kind of swelling growth on the external tissues of plants, fungi or animal. Plant growths are abnormal outgrowth. क्या होते हैं ये सब? Normal, ये सब normally grow नहीं करता है plant में, ये सब abnormal होते हैं. ये सब जो है ना गोल, ये जैसे कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में ट्यूमर की तरह होता है ना ट्यूमर, वैसे ही ये प्लांट के बॉडी में या फिर पंजा या फिर कोई कोई एनिमल्स के बॉडी में भी क्या होता है, दीस आर एबनॉर्मल आउटग्रोथ जस्ट लाइक द केस ऑफ ट्यूमर की तरह. ओके, सो दे कैन बी कॉज बाय वेरियस पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट से हो सकता है, वायरसेस से हो सकता है, पंजाई से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, प्लांट इंसेक्ट एंड माइट से हो सकता है, टर्माइट, ये सब से हो सकता है. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर गोल. इसी के बारे में एकदम, ये गोल जो है ना, गोल कैसे फॉर्मेशन होता है, गोल प्लांट और बैक्टीरिया, यहाँ पर जो प्लांट में गोल फॉर्मेशन करवा रहा है इन द पर्सन दैट इज बैक्टीरिया. गोल जो है ना बहुत सारे एजेंट से एकदम हो सकता है. क्या क्या एजेंट देखो यहाँ पर, पैरासाइट से, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया और फिर इंसेक्ट, माइट, प्लांट, ये सब से होता है. लेकिन प्लांट में किसके कारण से ज्यादातर होते हैं? प्लांट में बैक्टीरिया के कारण से ज्यादातर होते हैं. तो बैक्टीरिया और ये प्लांट का इंटरेक्शन हुआ, तो यही गोल फॉर्मेशन ही सबसे एकदम ज्यादा स्टडीड किया गया. और फिर इसके ऊपर में, गोल फॉर्मेशन के ऊपर में एक एकदम फिल्म भी प्रोड्यूस किया गया है इसके ऊपर में, है ना. सो दिस विच वॉज द एंसर, गोल फॉर्मेशन वॉज द एंसर, बॉल फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहां पर एकदम करेक्ट नहीं है? देखो देखो डॉक्टर्स बताओ, सीलिया आर हियर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, सही है कि नहीं है? नॉट करेक्ट बोला है, नॉट करेक्ट. फिर नंबर बी, माइक्रो सीलिया क्या होते हैं? सीलिया हियर लाइक अपेंडेजेस है ना, स्ट्रक्चर है ना. तो सही बात है, सही आंसर है, सही ऑप्शन है ये. आंचल का आ गया डी आ गया है, प्रभा का भी डी आ गया है, डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर आंचल, डी डॉक्टर. और कौन सा डॉक्टर का नाम बताओ जल्दी बोलो, डॉक्टर रहमती, डी एंड 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 डॉक्टर आर सी राम, डी डॉक्टर सऊदिया, डी डॉक्टर मलिका, डी डॉक्टर रफत, डॉक्टर रौनक, डॉक्टर आर सी फातिमा, डॉक्टर रक्षिंदा, All are D option. Dr. Shahjahan Saab, Dr. Nazreen, sab ka answer ekdam D aa raha hai. Dr. SF, Samreen Fatima, Dr. Saddam Hussein, sab ka answer D aa raha hai. Dr. Mimi Muskan, where is Dr. Nagma? Dr. Nagma kahan gaye? Dr. Ghulam Nabi kahan gaye? Okay, sab ka answer yahan par D aa gaya hai. Yes, D is the correct answer. Yes, Makhdoom, Dr. Makhdoom, D is the correct answer. Yes, the organized beating of cilia is controlled by the fluxes of calcium ion across the membrane. ये नहीं होता है, calcium ion control नहीं करता है. ये cilia जो beating करता है ना, ऐसे back and forth, rapid to and fro motion जो है cilia का, ये जो है calcium ion control नहीं करता है. ओके, और सब सारे answers correct है. देखो, hair like cellular appendages, hair like outgrowth होते हैं cilia. फिर जा करके माइक्रोट्यूबुल जो है सीलिया का, उसमें वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है. और नंबर सी, सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूबुल सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूबुल्स. चलो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं. देखो ये सीलिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. दिस इज फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सीलिया होगा, बट आई एम कंसिडरिंग हियर वन सेल, वन सीलिया, दिस इज वन सीलिया. और ये सीलिया जो है हियर लाइक आउटग्रोथ है, एंड दिस सीलिया विल रिमेन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कवर करके रखता है इस सीलिया को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये कवर करके रखेगा सीलिया में. ओके, हियर लाइक आउटग्रोथ है, तो ऑप्शन ए तो सही है. अब इसके अंदर में सीलिया जो है, सीलिया किस चीज से बना हुआ है इसके अंदर में देखते हैं. सीलिया, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, मैं इसको इनलार्ज करके बनाता हूँ. दिस इज सीलिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर सीलिया जो है बाहर में, पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स आउटसाइड, बाहर में क्या होगा, बाहर में माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं. माइक्रोट्यूबुल्स आर प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन का फिलामेंट है, बहुत छोटा छोटा, बहुत फाइन, एकदम बहुत पतला, एकदम प्रोटीन का फिलामेंट है.
और यहाँ पर ये माइक्रोट्यूबुल से जो माइक्रोट्यूबुल जिस प्रोटीन से बना है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। ओके सो हियर ऐसे करके दो दो ट्यूबुलिन होगा परिपरी में, फिर यहाँ पर देखो दो 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 कितना हो गया चार पांच छ सात आठ नौ। ओके लाइक दिस नाइन ट्यूबुलिन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट के फॉर्म में दिस इज ड्यूप्लेट, दो दो करके पेरिफेरी में दो दो करके ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा और फिर सेंटर में क्या होगा सेंटर में सिंगल सिंगल दैट इज नोन एज सिंगलेट और दो होगा ये सिंगलेट वाला ट्यूबुलिन दो होगा और बाहर में ये ड्यूप्लेट वाला कितना होगा ड्यूप्लेट वाला नाइन होगा एट द परिपरी। सो नाइन प्लस टू अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल कहते हैं, इस अरेंजमेंट को नाइन प्लस टू अरेंजमेंट कहते हैं ऑफ माइक्रोट्यूबुल। ओके तो ए बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है और रॉन्ग ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए बोला था दैट इज द बी। ओके सो कीप अप द जॉस मेंटेन द जॉस विथ फुल एनर्जी यू मस्ट बी ऑलवेज अवेलेबल विथ फुल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स नाइट्रोजन फिक्सर सोइल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू, बताने का जरूरत ही नहीं है इसको बताने का जरूरत ही नहीं है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। सी डॉक्टर सोदिया सी डॉक्टर मिमी बी कौन सा है डॉक्टर सबा सी डॉक्टर नगमा बी डॉक्टर सद्दाम बी डॉक्टर आंचल बी। मैक्सिमम आंसर्स आर बी बी फॉर बैक्टीरिया बी फॉर बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन एकदम मार दो एकदम। ओके बैक्टीरिया पे एकदम मार दो एकदम बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जो एनाबेना होता है एनाबेना नोस्टॉप राइजोबियम याद है ना एनाबेना नोस्टॉप राइजोबियम तो ये सब क्या है दीज आर बैक्टीरिया। डॉक्टर शाहजहां डॉक्टर नजरीन डॉक्टर आंचल ऑल आर करेक्ट आंसर्स दिस टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एन एनिमल, बताने का जरूरत है क्या नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हियर। नंबर ए बी बी में प्लांट एंड एनिमल दोनों का कैरेक्टर होगा नंबर बी यूग्लेना नंबर सी माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो है That is also known as, क्या कहते हैं PPLO कहते हैं माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो सबका आंसर भी आ गया देखो आचल मीमी शाहजहां निलूफर रहमती द फंक्शन ऑफ कौन सा टाइनी वैक्यूल इज प्रोटोजोआ नगमा इन रक्षिंदा मखदूम रक्षिंदा सबा नजरीन सबा दो दो बार बोल दी है सऊदियाना ऑल द डॉक्टर्स बी ऑप्शन करेक्ट यस यूग्लेना यूग्लेना जो है यूग्लेना क्या करता है प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर में और फिर एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर में। सो यहां पर प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है यूग्लेना के अंदर में दिस इज यूग्लेना एग्जांपल यूग्लेना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है दिस इज यूग्लेना एंड यूग्लेना में दिस इज द फ्लाजेला ऑफ यूग्लेना। तो देखो ये प्लाजेला के थ्रू से यूग्लेना क्या करता है प्लाजेला के थ्रू से यूग्लेना लोकोमोशन परफॉर्म करता है लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है ना एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है बी विद द फुल जोश बी विद द फुल जोश। एंड यहाँ पर इसके अंदर में क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं दिस आर क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और ये क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू से क्या कर पाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। सो यूग्लेना इज द ऑर्गेनिज्म यूग्लेना इज द करेक्ट आंसर इसलिए मैंने बोला ना एकदम यूग्लेना पर एकदम मार ही दो एकदम। ओके सबके सब एकदम मार ही दिया। ओके वेरी नाइस देन फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के अंदर में ये देखो एकदम क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ डॉक्टर आंचल का आंसर आ गया सी आ गया डॉक्टर मिमी का भी सी आंसर आ गया सबका डॉक्टर शाहजहां डॉक्टर नगमा डॉक्टर सबास एक्सपेरिमेंट
secretion in amoeba occurs. Dr. Achal, are you saying something? You please say in the message. Type the message. Dr. Achal, I can't hear. Saudia, R.C. Aram, C. Dr. Achal, what are you saying? Please type in the message. Dr. R.C. Fatima, C. सबका आंसर सी 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 आ रहा है. चलो देखते हैं क्या है, क्या था क्वेश्चन, क्या था. अरे क्वेश्चन तो मैं भूल गया. क्वेश्चन था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन. सो प्रोटोजोआ के अंदर में, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अमीबा, सी इन द केस ऑफ अमीबा, इसके अंदर में या फिर पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम एनीवन यू कैन से. तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं. एंड ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर में या फिर कोई एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में जितना वाटर होना चाहिए था, वाटर को, वाटर का बैलेंस को मेंटेन करके रखना, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट मींस आयंस का बैलेंस को मेंटेन करके रखना, दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑस्मोरेगुलेशन करता है. और ऑस्मोरेगुलेशन के अलावा एक और भी फंक्शन करता है, क्या चीजें पता है, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्सक्रेशन, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेस या फिर अनडाइजेस्टेड फूड्स फ्रॉम द बॉडी. ओके, एक्सक्रेशन भी करता है ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे डॉक्टर्स का एकदम सही आंसर आया था इस बार. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन इन अमीबा ऑकर्स थ्रू, किसके थ्रू से होता है अमीबा के अंदर में एक्सप्रेशन. अरे अभी तो मैंने बताया क्या होगा आंसर. चलो बताओ, ये प्रोटोजोआ जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे, निषाद का, आमरिन का आ गया, डी आ गया, नीलूफर का, आरसी फातिमा का भी डी आ गया, आरसी नीलूफर आजाद अगेन डी, सवा कृष्ण जी डी, शाहजहान साद डी, रहमती डी, रफत डी, रौनक डी, नगमा का भी डी, बहुत सारे डी है. फुल जोश नगमा इज हैविंग, रक्सिंदा फुल जोश हैविंग डी, सऊदिया, सद्दाम हुसैन, वेरी मच टू मच हाई लेवल ऑफ जोश. आंचल का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आया है, सी आया है, देखते हैं क्या होता है. ओके, अमीबा के अंदर में अभी जस्ट मैंने बताया था, डॉक्टर रहमती का भी डी है. देखो अभी मैंने जस्ट बताया था, अमीबा जो है, अमीबा के अंदर में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन प्लस एक्सप्रेशन करते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का भी रिमूवल और फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी रिमूवल ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है ना. सही आंसर है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, देखो अमीबा के अंदर में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फॉर्म हुआ है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स है, वो अपने अंदर में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर में ले लेता है, और फिर यहाँ पर ये क्या करता है, इट इनलार्जेस अंटिल इट रीचेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक ये एनलार्ज करते आता है, करते आता है. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर पहुंचता है तब जाकर के ये क्या हो जाता है, इट रप्चर्स आउट एंड देन रिलीजिंग द एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब पहुंचता है ऐसे एनलार्ज करके करके करके, तब जाकर के ये रप्चर हो जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और तब जाकर के उसके अंदर में जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स था वो बाहर रिलीज कर देता है. सो The correct option is contractile vacuole. Okay, next question is 10. The organism used for alcoholic fermentation is कौन सा होगा. चलो एकदम फटाफट बताओ, ये भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है. मैं क्वेश्चन नंबर 11 छुपा के रखा हूँ, बिकॉज तुम लोग 11 का एकदम पहले आंसर दे दो विद द फुल जोश. सो मच जोश यू आर हैविंग दैट यू आर रेडी टू गिव द क्वेश्चन आंसर ऑफ 11 ऑल्सो. निषाद का, रफत एंड नगमा, सबा खुशनदी, आरसी फातिमा, सऊदिया नाज बी आंसर, बी आंसर समरीन फातिमा बी, आरसी अराम बी. ओके ओके, वेरी नाइस डॉक्टर्स. सद्दाम शाहजहान वेयर, सद्दाम का बी आंसर है, सारे डॉक्टर्स का बी आंसर है. Very nice, going on, full jaws with full jaws. Okay, so the correct answer is here, which one? The correct answer is here, Saccharomyces, not B. Chhatka kha gaye sab ke sab.
झटका खा गए. द करेक्ट आंसर इज डी सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी. सैक्रोमाइसिस यहाँ पर यीस्ट. यीस्ट क्या करता है हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं और बहुत सारे क्लास 11 12 में तो एकदम बहुत अच्छे से है. डॉक्टर आंचल वास राइट. डॉक्टर आंचल वास टेलिंग द करेक्ट आंसर डी उसने बोली थी. ओके सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी सी आर ई वी ई एस आई ए ई सेरेबेसी दैट इज यीस्ट. सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी किसका बायोलॉजिकल नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? ये यीस्ट का साइंटिफिक नेम. पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम दैट इज फंगस है ना. पेनिसिलियम नोटेटम से तो क्या बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम से तो पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक बनता है. और सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से क्या होगा? दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल. ओके दिस इज अप टू हियर क्वेश्चन नंबर 10. Now, let us put some energy inside us.